हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित आप सभी का रोजगार विद्यंक के चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स के वीडियो हमारे कंटिन्यू जारी हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। जारी तो कंटिन्यू एक ही बात होती है, बाकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हमारे चल रहे हैं। 8th टॉपिक है, 8th क्या वीडियो है, टॉपिक तो हमारा ये 7th ही है, क्योंकि महत्वपूर्ण योजनाओं में दो टॉपिक हो गए हैं। तो 2019 की सेकेंड पार्ट है ये योजनाओं का। स्टेट्स में कौन कौन सी योजनाएं बहुत फेमस हुई है वो योजनाएं मैं लिखवा रहा हूं। तो टॉप 40 मैंने छाटी हैं, टॉप 20 में करवा चुका हूं, मतलब पहली 20 में करवा चुका हूं पहले पार्ट में, और इसमें भी 20 वीडियोस हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या वो वीडियोस हैं, जरा देखिएगा, बहुत गौर से इनको पढ़ के जाइएगा। बहुत उम्मीद है मुझे कि इसमें एग्जाम में इससे बाहर अगर योजना आई तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो युवा स्वाभिमान योजना ये मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है, बेरोजगार युवाओं को 100 दिन का रोजगार देती है। दोस्तों इसका युवा स्वाभिमान योजना क्यों है, क्योंकि ये सरकार 100 दिन का रोजगार देगी उनको। अब कोई प्रतिभा निखरेगी, अच्छा काम करेंगे तो उनको परमानेंट रोजगार मिलेगा, वरना तो भैया घर बैठो, ठीक है 100 दिन कमाओ, तनख्वाह दे देगी गवर्नमेंट, आप किसी काम के नहीं हो, फिर आप कहीं और ही ढूंढो। तो इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने स्कीम चलाई है। इंदिरा गृह ज्योति योजना मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम है ये भी। तो दोस्तों बिजली पर सब्सिडी देती है, बहुत कम बिजली बिल आते हैं लोगों के, क्योंकि ज्यादातर सरकारी भर देती है। तो घर की बिजली है ये, मतलब गृह ज्योति, घर पे जो बिजली दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई मान लीजिए बिजनेस के लिए बिजली यूज कर रहा है तो उसके लिए भी दे देगी। जय किसान ऋण मुक्ति योजना, दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश सरकार की है, और इसने ये तो साफ से दिख रहा है ऋण मुक्ति योजना है, तो कर्ज माफी के लिए कांग्रेस सरकार बनी है, कर्ज माफी का प्रोग्राम चलाया है। तो जय किसान कर्ज माफी योजना या ऋण मुक्ति योजना एक ही बात है। पौधागिरी अभियान, दोस्तों ये अभियान किस सरकार ने चलाया, हरियाणा सरकार ने, क्योंकि यहाँ पर पौधे बहुत कम है। देखिए नाम में आ रहा हरा हरा, लेकिन पौधा तो पौधा हरा तो हरियाणा से ही याद रख लेना पौधागिरी। तो दोस्तों वन आच्छादन बढ़ाने के लिए जब वन लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे, हरा हरा हो जाएगा सारे में, तो वन आच्छादन ही बढ़ेगा, वन ही बढ़ेंगे, तो इसलिए अभियान चलाया गया। परिवर्तन स्कीम, दोस्तों एक और स्कीम चलाई है हरियाणा गवर्नमेंट ने ही, जीवन स्तर सुधारने हेतु निचले स्तर पर कार्य, मतलब वहां के जिला स्तर पे काम किए जा रहे हैं, वहां के ऑफिसर SDM DM को काम दिया गया है कि आप उस स्तर पे सुधार कीजिए। तो कुछ इस तरह की योजना चलाई गई है परिवर्तन स्कीम, कि जो अब तक हो रहा था उससे कुछ बेहतर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है उन्नति योजना, जो कर्नाटक सरकार ने चलाई है, कर्नाटक उन्नति का नाटक कर रही है, ऐसे आप समझ लीजिए कर्नाटक। हाँ, तो दोस्तों SC ST समुदाय के व्यापारियों के लिए इसमें मतलब उन्नति की जाएगी। तो उन्नति देखिए पिछले समुदाय के लिए व्यापारियों को मदद देगी सरकार, तो एक खास योजनाएं होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये SC ST समुदाय के व्यापारियों के लिए है, ऐसी एक अनोखी योजना हो गई, ठीक है। तो जल अमृत योजना है कर्नाटक की, तो दोस्तों इसमें जल संरक्षण संबंधी योजना है, बिल्कुल इजीली याद कर सकते। तो दोस्तों ये जल अमृत योजना जल संरक्षण से हो गई, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट हो गया दोस्तों मिनी माता अमृत जल नल योजना, नल जल योजना, तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है नल जल योजना है, तो भाई जल मुफ्त दिया जा रहा है, पानी से टंकी से फ्री का पानी उनको मिल रहा है, घरों में सप्लाई जो पानी हो रही है वही, और इसको हम दूसरा योजना का नाम भी दिया है इसी योजना को, है वो मुख्यमंत्री चलित्र संयंत्र पेयजल योजना। तो पेयजल नाम आ रहा है तो समझ लीजिए गरीबों को 100 यूनिट तक जल फ्री में, नहीं तो आप पानी का भी बिल आता है आपको पता ही होगा। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है, ठीक है दोस्तों ये योजना चलाई गई है। दोस्तों नेक्स्ट है मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, तो तीर्थयात्रियों को कुछ सब्सिडी वगैरह दी गई होगी, दिल्ली सरकार ने चलाई है, कोई उद्देश्य खास नहीं, पर याद रखना तीर्थ योजना किस सरकार की। नेक्स्ट योजना हो गई मिशन बुनियाद योजना, दोस्तों ये दिल्ली सरकार की ये भी, और पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए, जैसे छुट्टियां पड़ती है ना टीचर्स की गर्मियों में या जाड़ों में, तो उस पीरियड में नानी वानी के मत जाओ और अपना यहीं पे पढ़ो, क्लास लो, एक्स्ट्रा लो, स्पेशल कमजोर बच्चों को बुलाया जाता है और मिशन बुनियाद चलाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है कमजोर बच्चों को स्पेशली। तो दोस्तों बहुत तगड़ी योजना चलाई है, बिल्कुल। मीठी क्रांति योजना झारखंड, मधुमक्खी पालनकर्ता को 80% सब्सिडी मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। दोस्तों मीठी क्रांति योजना मधुमक्खी पालनकर्ता से हो गई, सरकार उनको मधुमक्खी पालने के लिए 80% सब्सिडी देगी उसकी खेती करने के लिए, तो दोस्तों क्लियर है बिल्कुल। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना भी झारखंड की है, और किसानों को खरीफ फसल पर 5,000 रुपए प्रति एकड़ की मदद मिलेगी। ऐसी योजना ऊपर भी चली है, जैसे कालिया योजना चली थी
उड़ीसा सरकार की, तो और भी योजनाएं ऐसी चलाई गई हैं। तो दोस्तों ये भी, पश्चिम बंगाल ने भी एक योजना चलाई थी, वो सब आपको मालूम है, कृषक बंधु योजना, ठीक है। तो 5,000 ही उसमें थे, इसमें भी 5,000 है। एक हरियाणा की आएगी, वो 6,000 है उसमें। तो इस तरीके से याद रख लेंगे। सुजलाम सुफलाम योजना तालाबों का जीर्णोद्धार है, सुजलाम सुफलाम तालाबों के लिए, चलिए विशेषकर याद रखेंगे, और झारखंड सरकार की है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना। तो परिवार सम्मान निधि योजना देखिए दोस्तों, वही बात जो मैं बोल रहा था, छोटे कम आय वाले किसानों को, जिनके पास थोड़ी जमीन है, उनको 6,000 रुपए सालाना की सहायता देगी सरकार। कौन सी सरकार? हरियाणा सरकार, परिवार को सम्मान के रूप में। तो मतलब वो खेती कर सके, ज्यादातर परिवार किसान परिवार है, तो परिवार से समझ लेना, किसानों के लिए योजना है और हरियाणा सरकार की है। नेक्स्ट दोस्तों गंगा हरितिमा योजना। अब उत्तर प्रदेश की योजना करवाऊंगा मैं 6, क्योंकि मेरा स्टेट है, तो मुझे अपने स्टेट की तो ज्यादातर योजनाएं पता होनी चाहिए, इसलिए भाई मैं इसकी ज्यादा करवाऊंगा। बाकी अच्छी भी रही है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं भी हैं योगी सरकार की। तो एक गंगा हरितिमा योजना है दोस्तों, गंगा हरियाली योजना, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है, और गंगा के आसपास के क्षेत्र में सफाई, मतलब जैसे ये गंगा बह रही है ना, तो इसके इधर इधर 1 किलोमीटर तक दूर तक पेड़ वेड़ लगाए जाएंगे, ताकि कोई कूड़ा कचरा भभूत राख वो वगैरह ना डाले, क्योंकि हमारे यहाँ तो भगत जी भी बहुत ज्यादा है, तो उसको मतलब उस चीज के नाम पर, भक्ति के नाम पर या श्रद्धा के नाम पर गंगा मैली हो रही है, तो वो उस चीज को ध्यान में रखते हुए किया है योगी जी ने। नेक्स्ट दोस्तों प्रकाश है तो विकास है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, ये भी प्रकाश है तो विकास है, मतलब ये बिजली से ही होगी, सीधी सी बात है, और घरेलू बिजली कनेक्शन फ्री में बांटे हैं या बहुत कम कीमत में बांटे गए हैं, आपको पता ही होगा। और मतलब जो बीपीएल में थे उनको तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, लेकिन दोस्तों जो और थोड़े से ठीक ठाक हैं, घर के लिए कनेक्शन दे रहे हैं, तो 500 रुपए में गांव गांव आकर कनेक्शन दिए हैं योगी सरकार ने। तो ये बहुत अच्छी चीज है, प्रकाश है तो विकास है, मतलब बिजली है तो ही आप प्रेस कर पाओगे, तो ही आप कुछ और कर पाओगे, ठीक है, तो ही आप सब कुछ, नहीं तो भाई घुटते रहो बिगर मशीनों के हाथ से ही, जो काम 1 घंटे में मशीन करती है आप पूरा दिन में कर पाते हैं हाथ से, तो वो सब चीजें प्रकाश है तो विकास है, बिजली है तो विकास है, तो उस तरीके से है। एक जिला एक उत्पाद योजना, ये भी उत्तर प्रदेश की है। हर जिले की एक अपनी पहचान बने, मतलब एक जिला, जैसे आप समझते हैं अलीगढ़ जिला तालों के लिए फेमस है, तो ऐसे एक जिले का एक प्रोडक्ट हो, एक उत्पाद हो, और वो उसमें फेमस हो जाए बहुत अच्छे तरीके से, तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है वृक्षारोपण महाकुंभ योजना, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की है, और वृक्षारोपण 22 करोड़ पौधे लगाने हैं सरकार को, ये लक्ष्य रखा गया, और बहुत एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया एक दिन में सर्वाधिक पौधे, जिस दिन 9 अगस्त को ये योजना शुरू की है, अभी 9 अगस्त 2019 को, तो दोस्तों एक दिन में सर्वाधिक पौधे लगाकर रिकॉर्ड भी बनाया था नया, तो इस योजना में 22 करोड़ पौधे लगाने के साथ ये योजना पूरी होगी। तो बहुत अच्छी योजना है वृक्षारोपण महाकुंभ योजना, जो योगी सरकार ने चलाई है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है गोवंश सहभागिता स्कीम, आप आजकल देखते ही हैं, कई तो ये भी बोलते हैं कि रोड पर आवारा पशु दिख जाए, मतलब गाय दिख जाए, उसके बैल दिख जाए, तो घूमते हुए कि योगी जी घूम रहे हैं, ऐसे बोल देते हैं बहुत लोग, लेकिन वो गलत बात है। आवारा पशु योजना, तो इसमें क्या है, देखिए योगी जी ने इसमें क्या किया है, किसान को एक आवारा पशु को, कमाई का साधन बता रहा हूं अब आपको, एक आवारा पशु को बांधने पर उसको न्यार खिलाओ या मत खिलाओ, आपकी मर्जी है, पर उसको जिंदा रखो, 30 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा, मतलब एक पशु पे 900 रुपया सरकार दे रही है, ऐसा समझ लो, जो आवारा पशु आपने घर बांध लिया। तो देखिए आवारा भी क्या है, आप लोगों ने ही छोड़ा है, लेकिन पता नहीं किसने छोड़ा है, इसलिए वो आवारा बन गया, ठीक है। और अगर उसको कोई बांध लेता है आवारा घोषित करवा के, या उन पशुओं में से चिन्हित कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर आपके खाते में 900 रुपए प्रति पशु हर महीने आए जाएंगे, चाहे आप उसको घास खिलाओ या पानी पिलाओ या भूस खिलाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए, तो ऐसे ही कर लिया, नौकरी ना मिले तो अपने 40 एक पशु, चार नाम 36,000 रुपया हो गए, और अपने 40 पशु ने जंगल में ले गए टहलाने, घास वास अपने आप खा लेंगे वो, ठीक है, एक अच्छा रोजगार दे दिया आपको, चलिए अच्छी बात है, ठीक है, मजाक की बात है, ऐसे मत करना। कन्या विद्याधन, क्योंकि अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आई हुई है, मतलब इसका फुल फायदा उठाओ, साथ साथ में रोजगार भी चल रहा है। तो दोस्तों गोवंश पे ही है ये शर्त, ऐसा नहीं है कि आपने भैंसाई बांध लिया है ना, तो उस तरीके से नहीं चलेगा, गोवंश मतलब गाय का धन होना चाहिए, कुछ भी हो। नेक्स्ट है दोस्तों कन्या विद्या धन योजना, ये तो कई सरकारों ने चलाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की काफी फेमस रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से जो कमजोर थी बच्चियां, जिनको वजीफा स्कॉलरशिप भी मिलती है,
बारहवीं पास छात्रा को उनमें से 30,000 रुपए की मदद मिलेगी, 30,000 रुपए सरकार देगी उसको आगे पढ़ाई करने के लिए। कितनी अच्छी स्कीम चलाई है। तो दोस्तों ये सब आप याद कर सकते हैं। बाकी एंटी रोमियो से तो कौन परिचित नहीं है, एंटी रोमियो इसको ऐड चलाया था आपको पता ही है। योगी जी और योगी जी बनाना चाह रहे हैं ना, अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। भाई जब आदमी मतलब पार्क में नहीं बैठेगा लड़की के साथ तो फिर योगी बनेगा ना, तो ऐसे मान लो। चलिए तो मतलब ऐसी योजनाएं तो याद रह जाती हैं, पूरी वर्ल्ड फेमस योजना रही है, भारत में फेमस नहीं पूरे वर्ल्ड फेमस एंटी रोमियो है। चलिए दोस्तों ये सब आपको याद हो गया बड़ी आसानी से उम्मीद करता हूं। और ये योजनाएं मैं तो समझता हूं इससे बाहर शायद ना जाए, और बाकी आगे आपका लक है, आपका भाग है, जो जोर मार रहा होगा जिधर को भी कर देगा काम को। पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं, कहेंगे ही नहीं आगे।